अपना सेक्स या स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए लहसुन और शहद का इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। यह घरेलू उपचार है, आसानी से संभव है और बहुत प्रभावी उपचार जिनको लैंगिक समस्या है, लैंगिक कठोरता नहीं आती है, उनके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग पूछते रहते कि नहीं, ये जो एलोपैथी की दवाइयाँ ना, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। हमने वायग्रा लेके देखा, सिल्डानाफिल, टाडालाफिल लिया, फिर वर्दनाफिल लिया, एवेनाफिल लिया, पेपेवरिन का इंजेक्शन लिया, सब दवाइयाँ लिया, फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर मैं कुछ लोगों को ये घरेलू उपचार बताता हूँ जो भी मैं आपसे बातचीत में बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल है, लहसुन की जो कलियाँ आती है तो वो कलियाँ, उसका जो ऊपर का कवर है वो निकाल देना है। कवर निकालने के बाद में लहसुन हर घर में मिलती है, हर घर में लोग लहसुन लाते हैं। लहसुन की दो या तीन कलियाँ, मतलब उसको बोलते हैं पुत्थी या क्लोज, यदि हम लेते हैं उसको क्रश करते हैं, चूरा करते हैं उसका, और चूरा करके एक चम्मच शहद में डालना है, एक चम्मच शहद में डालना है, और वो 3 से 4 महीने खाली पेट यदि आप लेते हैं तो ये बहुत प्रभावी उपचार लैंगिक समस्याओं के लिए हो सकता है। जिनका स्टेमिना नहीं पूरता, लैंगिक कठोरता नहीं आती, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लहसुन में पॉलीसल्फाइड्स है, पॉलीसल्फाइड्स, और पॉलीसल्फाइड जो है वो अपने बॉडी में H2S का प्रमोशन करते हैं। अब H2S जो इंग्रेडिएंट है, ये H2S जो है ये हार्ट को इम्प्रूव करता है, उसकी ताकत बढ़ाता है। H2S ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसका ही मतलब ऐसा हो गया कि गार्लिक जो है वो सीधा हार्ट के ऊपर काम करती है, जिसके वजह से पूरी हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बहुत कम है, और उससे पेनिस को ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब रिलैक्स हो जाएंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो पेनिस को ब्लड फ्लो नेचुरली बढ़ेगा। गार्लिक जो है, लहसुन, इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड एलिसिन रहता है, और ये एलिसिन जो है ये पेनिस को, मतलब लिंग को, लिंग का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ाता है। तो आप 3-4 पंखलियाँ जो है क्लोज है ना, तो वो 3-4 पंखलियाँ गार्लिक की ले सकते हैं, लहसुन की ले सकते हैं, उसका ऊपर का जो है छिलका वो निकाल देने का है, उसको आप फ्राई कर सकते हैं, कवर के साथ में भी फ्राई कर सकते हैं। हम बहुत बार होटल में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई लहसुन फ्राई लाओ, लहसुन फ्राई, गार्लिक फ्राई, तो इतने बड़ा प्लेट में वो पूरे लहसुन की पंखलियाँ जो रहती है वो पूरी की पूरी तेल में फ्राई करके लाता है, और उसका हम छिलका निकालते ऊपर का और वैसे ही चबाते, बहुत अच्छा लगता है। तो आप यदि चुभाते वो और 3 महीने तक वो आप 3 से 4 पंखलियाँ 3 महीने तक खाली पेट लेते हैं तो उसका प्रभाव लिंग के कठोरता के ऊपर बहुत अच्छा होता है। ये 3-4 पंखलियाँ रोज आप दूध के साथ में ले सकते हैं, शहद के साथ में ले सकते हैं, या वैसे भी चुभा सकते हैं। वैसे भी मैं खुद भी क्योंकि गार्लिक का सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, बाकी भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है, इसलिए मैं जब होटल में जाता हूँ खाना खाने के लिए तो मैं बोलता हूँ कि भाई गार्लिक राइस है क्या, मतलब गार्लिक डाल के राइस बनाते हैं, फ्राइड राइस मतलब गार्लिक डाल के, बहुत अच्छा, तो वो बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी होता है। फिर गार्लिक ब्रेड मिलती है, कोई भी आप पिज़्ज़ा के शॉप में जाओ तो गार्लिक ब्रेड देते हो, वो बहुत टेस्टी होती है। गार्लिक नान मिलता है, तो गार्लिक की चीज़ें आप जितना भी खा सकते हो उतना खाओ। प्रॉब्लम इतना आता है गार्लिक का, उसका मुंह को बांस आता है, लहसुन का बांस आता है, तो गार्लिक खा के फिर बेड पर नहीं जाना है पत्नी के साथ में सेक्स करने के लिए। तो फिर गार्लिक यदि खाते हो आप, मुंह को बांस आएगा तो आपको उसके बाद में इलायची लेना पड़ेगा या लवंग लेना पड़ेगा, मतलब खाना पड़ेगा, जिससे कि आपका बांस, या ब्रश करना होगा फिर, और बाद में फिर बेड पर जाना है। अदरवाइज गार्लिक का बांस बहुत अच्छा लगता नहीं, बहुत बांस आता है उसका, लोगों को अच्छा लगता नहीं है। तो ये 3 से 4 पंखलियाँ गार्लिक की दूध या शहद में लेना है, 3 से 4 महीने भूखे पेट आप लेते हैं तो उसका बहुत ही प्रभावी असर सेक्स के ऊपर आता है, इरेक्शन के ऊपर आता है, लैंगिक कठोरता के ऊपर आता है, और वैसे ही शुक्राणु जो है पुरुष बीच, उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी होती है। और शुक्राणु की हेल्थ, मतलब स्पर्म्स की हेल्थ यदि अच्छी है तो उसका असर फर्टिलिटी के ऊपर, मतलब किसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी ये उपचार जो है वो काम में आता है, क्योंकि स्पर्म्स हेल्दी होंगे, ताकतवर होंगे, तो बच्चा पैदा करने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो गार्लिक का उपयोग बहुत ही अच्छा है, आप गार्लिक वापर के देखो, 3 से 4 महीने बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगा, तो जिनको ये बाकी टैबलेट्स नहीं होना है ना, वर्दनाफिल और वायग्रा और सियालीस, टाडालाफिल नहीं होना है, तो चलो बाजू करो और सीधा ये उपचार करो,
इससे बहुत फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।